आप अपनी लाइफ को बदलने के बारे में सोच रहे हैं और सिर्फ सोच ही रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि आज हम शुरू से लेकर आखिरी तक हर स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ को सिर्फ एक साल में कैसे पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठ जाइए, या फिर हर एक वीडियो के बाद जो मैं चीजें बताऊंगा उनके स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे एक एक स्टेप के बारे में और उन्हें आप ठीक तरीके से फॉलो करें। तो शुरू करते हैं कि पहला स्टेप कौन सा होगा इस एक साल की जर्नी में और आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से कैसे बदल सकते हैं, आइए आज इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला स्टेप जो सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है आज का आपका वर्तमान। आप आज किस कंडीशन में हैं आपको ऑडिट करना होगा। आपको अभी तक आपने अपनी लाइफ को कैसे जिया है, अभी आप कैसे जी रहे हैं और आगे आप कैसे जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कैसे बदलना चाहते हैं, आपको पूरा का पूरा एक ऑडिट करना होगा। एक पेन और पेपर लेकर आपको बैठना होगा और अपनी लाइफ के बारे में अपने आप से प्रश्न पूछना होगा कि आप अभी तक क्या कर रहे थे जिसके कारण आज तक आप यही है, ऐसी कौन कौन सी गलतियां थी, कौन कौन सी चीजें थी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है और अब आप किस राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं उसके बारे में हर एक बात को स्टेप बाय स्टेप आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको कुछ चीजें एडजस्ट करनी होगी तो कुछ चीजों में आपको जंप स्टार्ट करना होगा, मतलब कुछ चीजों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो आपकी सक्सेस में रोड़े बन रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और कुछ चीजों में आपको जंप स्टार्ट मारना पड़ेगा, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक फटाफट एक्शन लेना होगा, सोचना होगा कि इस चीज को कैसे करना है, प्लानिंग बनाना होगा और फिर सीधा जंप करना होगा। शुरू में ही आपको लिस्ट बनाना होगा इन 8 एरिया के बारे में जो आपकी लाइफ से ही रिलेटेड है और आपको अपने आप से प्रश्न पूछ रहा होगा कि हर एक एरिया कैसा चल रहा है। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ के बारे में पूछना होगा कि आपकी हेल्थ का स्टेटस क्या चल रहा है, क्या वो बहुत ठीक है, क्या वो गड़बड़ है या फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ है और उसे ठीक करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। दूसरा आपको पूछना होगा अपने फाइनेंस के बारे में कि आप कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप कमा भी पा रहे हैं या फिर नहीं कमा पा रहे हैं, एकदम शुरुआत की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं तो आपको दूसरा फाइनेंस के बारे में पता करना होगा। तीसरा आपको लिखना होगा सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में कि आज आपकी डेवलपमेंट के मामले में पोजीशन क्या है, क्या आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, क्या आपने किसी स्किल पर कमांड कर ली है या फिर नहीं कर पाए हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चौथा आपको पूछना होगा अपने करियर के बारे में कि किसी करियर के लिए आपने कुछ सोचकर रखा है या फिर अभी हाथ पर हाथ रखे ऐसे ही बैठे हुए हैं। पांचवा आपके रिश्ते कैसे हैं और आप उसे कैसे निभाते हैं, किसी को धोखा देते हैं, चीट करते हैं या इसी प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं या फिर आप बेहतर और अच्छे रिश्ते बनाकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। छठवां आपको सेल्फ केयर के बारे में पूछना होगा कि आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं, आप अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं या नहीं, अच्छी घड़ी पहन पा रहे हैं या नहीं, या फिर आपने जैसी लाइफ सोचा है, अच्छे कपड़े अच्छी घड़ी से मेरा एग्जाम्पल है कि आप जैसी लाइफ चाह रहे थे वैसी लाइफ आप जी पा रहे हैं या फिर नहीं, आप अपने आप को केयर कर पा रहे हैं या फिर नहीं। सातवां अपने आप से पूछिए कि आपके घर पर सारी चीजें कैसे चल रही है, क्या आप अपने माता पिता को उतना सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने भाई बहन को उतना सपोर्ट करते हैं, आपको यह भी अपने आप से पूछना होगा। और आठवां और सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या इन सब के बाद आप अपने आप को फ्री टाइम दे पाते हैं या फिर अपने आप के लिए भी आपके पास वक्त है या फिर नहीं। तो सबसे पहली चीज आपको यह सेल्फ ऑडिट करना होगा और जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, उसमें 8 फैक्टर है, उन 8 फैक्टरों को ध्यान दीजिए और उसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। अब हम इन 8 फैक्टर को चेंज करना है, लेकिन चेंज करने के लिए जो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज आती है जो कि पॉइंट नंबर 2 है और वो है आपके माइंडसेट को आपको चेंज करना होगा, उसे एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होगा। देखिए आपने बहुत बार वो वाली कहानी सुनी होगी जहां पर एक सेल्समैन जाता है जूते बेचने के लिए और वो कहता है कि यहां पर तो किसी ने जूते नहीं पहने हैं तो मैं कैसे बेच पाऊंगा, और वो वापस चला जाता है। लेकिन दूसरा सेल्समैन आता है और कहता है कि यहां पर तो किसी ने जूते पहने ही नहीं है, मैं सबको पहनाऊंगा और वो उस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाता है। तो यहां पर दो व्यक्ति है, दो प्रकार के माइंडसेट है, एक कहता है कि नहीं हो पाएगा और एक कहता है कि अरे नहीं हुआ है तो अब मैं करके दिखाऊंगा। तो यही माइंडसेट आपको भी चेंज करना होगा। अभी तक आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आए हैं क्योंकि आपने बदलाव करने के बारे में सोचा नहीं है, आपने फैसले नहीं लिए हैं, आपने किया ही नहीं है और आप डर के पीछे हट गए हैं। आज से अपना माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा और उसी माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको अपने आप को वक्त देना होगा और करना होगा। आज के बाद आपकी लाइफ में जो कुछ भी गलत होगा आप उसे एक लर्निंग मानिए, लर्निंग माइंडसेट मानिए कि ये चीज मेरे साथ गलत हुई है तो इससे मुझे क्या सीख मिली है और इस चीज से सीख कर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। मतलब माइंडसेट का खेल है सारा का सारा और कुछ भी नहीं है। एक और आप किसी चीज में नेगेटिव चीज ढूंढ सकते हैं, नेगेटिव माहौल बना सकते हैं, लेकिन वहीं पर आप कुछ पॉजिटिव ढूंढकर आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको इस एक साल में
उससे पहले ही शुरुआत में ही अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको एक विजन देखना होगा कि भैया मुझे जाना कहां है। आज मैं यहां पर हूं लेकिन मुझे जाना कहां है। मान लीजिए कि मेरा टारगेट है कि अगले एक साल के अंदर मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, ये मेरा विजन हो गया। लेकिन उसके पहले एक मिशन भी तैयार करना होगा कि मिशन कहता है कि भैया कैसे करना है और विजन बताता है कि आपको कहां जाना है। तो दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपका विजन भी आपको पता होना चाहिए, आपका मिशन भी आपको पता होना चाहिए। पहले यह पता करिए कि आपको जाना कहां है और वहां तक जाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, आप कैसे जाएंगे, और उसी चीज को कहते हैं मिशन बनाना। तो आप दोनों चीजें, माइंडसेट जब क्लियर हो गया कि मुझे या तो आईएएस की परीक्षा क्लियर करना है, बैंक की परीक्षा क्लियर करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, स्टॉक मार्केट में अच्छे से पैसे कमाना है, कोई भी चीज को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने माइंडसेट को बना लिया है, तो अब आपका विजन होना चाहिए। पहला फिर से सुन लीजिए कि मुझे जाना कहां है, और दूसरा उस जगह तक जाने के लिए मुझे कौन कौन सी तैयारी करनी होगी, कौन कौन सी चीजों में एक्सपर्ट बनना होगा, उस चीज की तैयारी। इन दोनों को जब आप तैयार कर लेंगे तो आप एक नई मानसिकता के साथ, नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि अब आपकी आंखों की पट्टी खुल चुकी होगी, जब आप मिशन बनाते हैं, विजन बनाते हैं, तो आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाता है कि मुझे कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप्स लेना है, कौन कौन से हर्डल आ सकते हैं, मुझे किस प्रकार से जाना है, हर चीज क्लियर दिखने लगती है। जब तक आप विजन और मिशन नहीं बनाते हैं कुछ भी क्लियर नहीं होता है। आप आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ चलते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि अभी तक मैं आया नहीं, अभी तक मैं आया नहीं, मैं कहां जा रहा हूं। यदि आपको वाकई में क्लियर करना है कि आपको कहां जाना है, तो इसके लिए मिशन और विजन क्लियर कीजिए। जब मिशन और विजन बन गया, इसके बाद चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि आपको अपने ऊपर अब डेली काम करना शुरू करना है। सबसे पहले आपने 8 फैक्टर चुने, उनको अपने जीवन में कैसे चल रहे हैं सबसे पहले वो देखा, उसके बाद आपने माइंडसेट क्लियर किया, उसके बाद विजन और मिशन बनाया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको अपने ऊपर काम करना चालू करना है। हर दिन आपको देखना पड़ेगा कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है, पिछले दिन आप कहां पर थे, आज कहां पर है और कल कहां जाना है, इस चीज को क्लियर करना होगा। और इसके लिए मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, एक ही वार्ड में आपकी सारी असफलताएं टूट जाएंगी, और वो ब्रह्मास्त्र है कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आपको डेली अपने आप को देखना होगा कि आपने जो भी टास्क चुने हैं, जो भी चीज करने के बारे में सोचा है, आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली उसे कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए बहुत सिंपल है लाइफ, आप कंसिस्टेंसी के साथ किसी काम को यदि कम भी करेंगे लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करते जाएंगे, आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जो कि एक दिन तो बहुत सारी चीजें कर लेते हैं लेकिन दूसरे तीसरे चौथे दिन में वो चीज करते ही नहीं है, और ऐसे लोग जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। यदि आप थोड़ा काम भी कर रहे हैं लेकिन रोज कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, पक्का आप सफल होंगे। मान लीजिए कि आपने कोई बीज बोया है जिससे पेड़ लगने वाला है, अब आप उस बीज में डेली पानी देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी देंगे, उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो वो पेड़ जो है, वो बीज जो है, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए सिर्फ आपने बो दिया और आप सोच रहे मेरा काम खत्म हो गया, आप मुझे कुछ नहीं करना है, मान लीजिए कि आपको बॉडी बनाना है, अब आप क्या सोच रहे हैं कि जिम में मेंबरशिप ले ली, आपने फीस भर दी, अब मेरी बॉडी बन जाएगी, क्या आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए आपने मिशन विजन माइंडसेट क्लियर कर लिया, आपने वो ऑटो फैक्टर देख लिया, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है जब तक आप अपने ऊपर डेली काम करना नहीं शुरू करेंगे। और ये एक दिन की जर्नी नहीं है, एक महीने की जर्नी नहीं है, इसमें सालों लगते हैं, और उस सालों देने के लिए आपको शुरुआत तो करनी ही होती है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण आता है कि जब आप काम करना शुरू करते हैं उसके बाद आपको अपना एनवायरमेंट तैयार करना होता है। अब होता यह है कि आपने हर चीज को क्लियर कर लिया, भैया मुझे कहां जाना है, कैसे सफलता प्राप्त करनी है, लेकिन वहीं पर आता है आपका माहौल जो कि आपकी ये सारी चीजें खत्म कर सकता है। क्योंकि अच्छा माहौल आपकी चीजों को और अच्छा बना सकता है, लेकिन खराब माहौल आपके अच्छे माइंडसेट को भी खराब कर सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, आप तो काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग जो हैं वो ऐसे आपने चुने हैं कि वो उस काम को आपको करने ही नहीं देना चाहते हैं, वो आगे खुद नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कैसे बढ़ने देंगे वो? और यदि आप बढ़ते हैं तो आपकी टांग खींचकर नीचे धकेल देंगे। तो आपको क्या करना है, अपने एनवायरमेंट को ऐसा बनाना है कि वो आपका सपोर्ट करे आपके आगे बढ़ने के लिए। ऐसे दोस्त चुनिए जो आपके टारगेट में, लक्ष्य में आपका साथ दे, ना कि आपकी टांग खींचे। ऐसी जगह पर रहिए जहां पर सफल लोग हो, सफल लोगों की बातें सुने ताकि आपको पॉजिटिव फीडबैक मिले। यदि कोई गलती हो रही है तो वो लोग गलती भी बताएंगे सही माइंडसेट के साथ, और यदि आप गलत एनवायरमेंट में हैं तो आपकी सही चीजों को गलत बताया जाएगा और गलत चीजों को सही बताया जाएगा और आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने माहौल को बदलना होगा। अब इसके बाद आता है छठवां और जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको अपने लक्ष्य के लिए जिन भी स्किल्स की जरूरत पड़ रही है आपको उसको या तो अपडेट करना पड़ेगा या फिर नई स्किल्स को सीखना पड़ेगा। कई बार लोग
उम्र के साथ साथ सोचते हैं कि यार मैं तो कोई नया कोर्स नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो बड़ा हो गया हूं, कोई नई चीज सीख नहीं सकता क्योंकि मैं तो उम्र हो गई है, या फिर मैंने तो फलाना कोर्स पहले ही कर लिया है, और ऐसे ट्रैप के चक्कर में आके नए स्किल्स नहीं सीखते हैं। देखिए, आपको अपनी लाइफ को टाइम देना होगा। आपको लगता है कि ये मेरा एम है और इसमें स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, आप टाइम निकालिए। आजकल बहुत सारी चीजें ऑनलाइन आ गई है, आप एक एक दो दो महीने का टाइम देकर उन चीजों को बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से सीख सकते हैं। आप कोर्सेस कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि यार मैं ये करूं या नहीं करूं, इसी सोचने में आप साल साल दो साल निकल जाएगा, आप कर भी नहीं पाएंगे, सीख भी नहीं पाएंगे, समय व्यर्थ हो जाएगा, और बाद में फिर बात नहीं आ जाएगी कि काश मैंने दो साल पहले सीख लिया होता तो आज मेरा जीवन कुछ और होता। तो इसलिए आपको स्किल्स सीखना है। इसमें कोई भी काम चोरी, लालच, कोई भी पैसे का छोटा छोटा लालच हो जाता है कि अभी पैसे बचा लेता हूं, देखता हूं, करता हूं, नहीं करता हूं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो स्किल्स जरूरी है उसे सीखना ही है। और इसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि आप उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं, और आप अपने अंदर बदलाव देख पा रहे हैं या नहीं। दोनों चीजें लास्ट में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहला कि जितनी भी चीजें अभी तक हमने देखी है, आप जब उसको करने जाएंगे तो आप मजे लेकर उस चीज को कर पा रहे हैं नहीं। हर दिन सुबह जब आप उठते हैं तो आपको एक्साइटमेंट होता है नहीं, मजा आता है नहीं, या फिर ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों उठ गया, मुझे वापस से वही काम करना पड़ेगा। और यदि आपको ऐसा लगता है, तुरंत अभी आपको उस काम को छोड़ने की जरूरत है, आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपका पसंदीदा काम नहीं है, आपको किसी और काम को करना चाहिए। लेकिन आपको सुबह उठने का मन करता है, रात को सोते हैं तो लगता है यार सुबह उठ के फिर से वही काम करना है, मजा आएगा, तो वही आपके लिए काम है। आप अपने आप से पूछिए कि उस काम को करने के बाद आप इंजॉय कर पा रहे हैं या फिर पहले जैसी ही लाइफ हो गई। यदि पहले जैसी हो गई है, छोड़ दीजिए, नया काम कीजिए। लेकिन यदि लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी वेल्थ अच्छी हो रही है, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आपके इमोशंस अच्छे हो रहे हैं, और आप अच्छी तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं, तो इसका साफ सा मतलब है कि हमारी इस वीडियो को बनाने की जो कोशिश है वो पूरी होती जा रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप इन 8 चीजों में से किन-किन में अच्छे हैं और किन-किन चीजों को इंप्रूव करना बाकी है, और कुछ ही समय में उसे इंप्रूव करके दिखाएंगे और प्रॉमिस करेंगे। अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।